मित्रों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से मुद्दों को सेट करने में लगे हैं। भाजपा जहां राम मंदिर, मथुरा कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को सेट करने में लगी है, वहीं कांग्रेस, बीएसपी और एसपी तक तमाम विपक्षी दल योगी को ब्राह्मण विरोधी साबित कर विप्रो के वोट साधने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की बहू कही जाने वाली खुशी दुबे को लेकर कांग्रेस और बीएसपी दोनों ही योगी सरकार पर हमलावर हैं। उनके आरोपों के केंद्र में योगी सरकार का कथित ब्राह्मण विरोधी रवैया है। दोनों ही पार्टियां यह साबित करने में जुटी है कि खुशी दुबे के मामले में लगातार योगी सरकार गलत फैसले ले रही है और विपक्ष इस मामले को जोर शोर से उछाल रही है। बीते साल जुलाई में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा था कि योगी सरकार साजिशन खुशी दुबे को जेल में ही मार डालना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुशी दुबे का कोर्ट केस लड़ने का भी ऐलान किया था। दरअसल मिश्रा तकरीबन अपनी हर चुनावी रैली में खुशी दुबे का जिक्र जरूर करते हैं। गौरतलब है कि खुशी दुबे कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड में शामिल विकास दुबे के शूटर अमर दुबे की पत्नी है। उनके खिलाफ पुलिस ने कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। बिकरू कांड से दो दिन पहले ही खुशी की अमर दुबे से शादी हुई थी। बीएसपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ब्राह्मण और दलित गठजोड़ समीकरण पर काम कर रही है। इसके तहत पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार को, खासकर योगी को, ब्राह्मण विरोधी साबित करने में लगी है और सतीश मिश्रा इस अभियान को लेकर जिले जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रहे हैं। बीते दिनों मिश्रा ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि उनका नाथ पंथ ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मानता है। मिश्रा ने कहा था कि योगी सरकार में कुल 100 ब्राह्मणों को एनकाउंटर में मारा गया है। इसके अलावा मंदिर के कई पुजारियों की भी हत्या बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही हुई है। खुशी दुबे को लेकर बीएसपी ही योगी सरकार के पीछे नहीं पड़ी है, कांग्रेस भी समय समय पर यह मुद्दा उठाती रही है और यही कारण है कि मिश्रा के अलावा कांग्रेस के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के नामी अधिवक्ता विवेक तनखा ने भी खुशी दुबे का केस अपने हाथों में ले लिया है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने योगी सरकार पर एक बार फिर हमला बोलते हुए दावा किया कि साल 2022 में ब्राह्मण समाज बीजेपी को हराएगा। अंशु अवस्थी ने भी इस दौरान अपने बयान में खुशी दुबे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय ब्राह्मणों को रिझाने का नाटक करने वाली बीजेपी बताए खुशी दुबे के निर्दोष होने के बावजूद क्यों वो 1.5 साल से जेल में बंद है। जो 5 दिन पहले विवाह होकर विकास दुबे के घर आई थी, भाजपा सरकार ने ब्राह्मण होने के नाते उसे जेल में डाल रखा है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में इस बार भी नागरिक मुद्दे नदारद है और जाति धर्म के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिकरू हत्याकांड के बाद विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद योगी सरकार पर खुलकर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगे थे। इस कांड के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे के कई साथियों को मार दिया गया था, जिस पर फर्जी होने के आरोप लगे थे। वहीं अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को गंभीर धाराओं में जेल में डाल दिया गया। खुशी की घटना से 2 दिन पहले ही अमर दुबे से शादी हुई थी। ऐसे में बीएसपी, कांग्रेस और सपा खुशी दुबे को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर योगी सरकार के कथित अत्याचार का प्रतीक बनाकर पेश करना चाहती है, ताकि बीजेपी के वोट बैंक के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में साध सके। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को पता है कि ब्राह्मणों का विरोध उनके लिए घातक हो सकता है, इसलिए बीजेपी ने पार्टी के भीतर योगी के विरोधी माने जाने वाले शिव प्रकाश शुक्ला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें पार्टी के कई ब्राह्मण नेताओं को शामिल किया गया है। इस समिति का काम पार्टी से रुष्ट हुए ब्राह्मणों को मनाकर अपने खेमे में वापस लाना बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि ब्राह्मणों को मनाने में विपक्ष या बीजेपी कितनी सफल हो पाती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।